बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एशियन गेमर में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आप लोग अक्सर बल्कि ठीक ही कहते हैं कि एशियन गेमर जो है गेमिंग में थोड़ा सा स्लो है, पीछे है। यकीन माने, ये बात बिल्कुल सच है। इतनी अच्छी और प्यारी गेमें आ रही हैं और मैं सोया हुआ हूँ। आज भी एक गेम रिलीज़ हुई, इंशाअल्लाह मैं उसकी अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि वो मैं गेम में कितना एक्साइटेड था। आपको पता लग ही गया होगा आज कौन सी गेम रिलीज़ हुई है। तो मैं अपने काम में इतना मसरूफ़ हो जाता हूँ कि फिर बस गेमिंग को एक तरफ रख देता हूँ और काम को एक तरफ रख देता हूँ, क्योंकि मजबूरी है, काम भी करना है। लेकिन गेमिंग चैनल ये आप लोगों के सामने शुरू किया हुआ है, इंशाअल्लाह इसको अच्छा बनाएंगे। मैं आपसे आज अपने दिल की बात कहता हूँ कि एशियन गेमर एक कैसा गेमर था। एशियन गेमर FPS गेमें खेलने से डरता था, मतलब मुझे चक्कर आ जाते थे कि मैं FPS गेमें बिल्कुल फर्स्ट पर्सन शूट गेम खेलने से ज़रा उकताता था, मतलब नहीं खेल सकता था। मुझे उसके जो कैमरे के जो उतार चढ़ाव और इधर मूवमेंट थी ना, उससे चक्कर आ जाते थे। लेकिन आजकल देखें, मैं रेजिडेंट ईवल विलेज खेल रहा हूँ, उसका क्रेडिट मेरे दोस्त को जाता है, जिनका नाम अभी दोस्त उनकी पोस्टिंग हो गई है तो कोयटा में, पता नहीं किधर होंगे ये, मुझे आजकल उनका नहीं पता। उनकी कैप्टन वासम का नाम था, उन्होंने मुझे Battlefield 1 शहजादी इस गेम के बारे में बताया, क्योंकि मैं एक्शन बहुत पसंद करता था। मुझे Uncharted 3 जैसे कट सीन जो एक्शन होते हैं ना, उसमें मुझे जोश आ जाता है। और Battlefield 1 एक ऐसी गेम थी जिसमें वो उस तरह के एक्शन मौजूद थे, और आई लव दिस गेम Battlefield 1, जिसने मेरे चक्कर भी ठीक किए और मुझे खेल के मेरे दिमाग को आदत पड़ी उस तरह की गेम। आज 100 साल बाद, यानी 100 साल पहले 1942 एक लव स्टोरी आई थी अनिल कपूर की, मैंने देखी थी। आज वो गेम आई है Battlefield 2042। यकीन माने, मैं बहुत खुश हूँ। Battlefield 5 इतनी कामयाब नहीं हुई, वो भी मैंने खेली थी, मज़ा नहीं आया। मैंने अपने चैनल में अपलोड की, उसमें ज़रा इस तरह का नहीं था। लेकिन Battlefield 1 बहुत ज़बरदस्त, अगर आप मुझे फरमाइश करेंगे तो मैं लाजमी खेलूँगा। तो हम आज उसको गेमिंग चैनल में अपने पहला रिएक्शन की तरफ गेमिंग मतलब रिएक्शन देने लगे हैं Battlefield 2042 का। चले आए देखते हैं। तो गेम प्ले रिएक्शन को देखने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें, हमारी वीडियो को लाइक कर दें, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स लिखते हैं नाजरीन, क्योंकि हम ही हैं जो लेकर आ रहे हैं आपकी अपनी जबान में गेम प्ले। चले आए अपना रिएक्शन देते हैं, स्टे विद अस। नाजरीन, इसकी ESRB वैल्यू जो है वो बाद में आएगी, ये गेम प्ले का रिएक्शन देते हैं। वाह, सुपर, क्या बात है। ओ शिट, इनकल देखता गला पता करो आप। ओ शिट, सजाता, क्या बात है। ओ गुदगुदा यार, सजाता डाइस, क्या बात है। तबाही वो एक ही है। ओहो, चढ़ू चार्जर, ये 1942 में जो मशीनरी इस्तेमाल होगी उसके हवाले से ये बताया गया है। वाव, गेम प्ले नहीं है, गेम प्ले मोड नहीं है इसका। Battlefield दिखाओ, तुसी किसी कंटेनर चु वड़ गए हो हैं, ये लोकल जिदा कॉल ऑफ ड्यूटी की फाइटिंग तोड़ी है। कैप्टन प्राइस, तुम्हारी प्राइस क्या है? साउंड बहुत जबरदस्त है और जदीद किस्म की मुझे आवाज ना, आवाज से भी फर्क आ गया गोलियां दी। ओए कि कर लिया, लॉक फड़ लिया उसका। ओ ये किधर आ गया भी यार, बड़ा जबरदस्त। वो वाओ, आइस के ऊपर इन्हें की कहते हैं आइस वाला समुंदर को। रॉकेट लॉन्चर नहीं,
ज्यादा, क्या बात है। ये मेरे ख्याल से बैटलफील्ड 1 में नहीं था, ये रॉकेट नहीं था, 5 में पता नहीं होगा क्या, नहीं 5 नहीं मतलब मैं खेल सका, मैंने पूरी खेली है लेकिन ऐसा मल्टीप्लेयर नहीं खेला उसका। वाओ हेलीकॉप्टर भी आ गए, इतना जबरदस्त साउंड आया ना मेरे दिल। कमाल कर दिया, तो बीबी है हेलीकॉप्टर से। क्या बात है, वाह फाइटिंग प्यारे, मतलब जहाज एरोप्लेन, मेरी उर्दू इंग्लिश मिक्स ही है। उतर गया, यू उतर गया, मर गया भी, निशाने आदर दे दियो यार। गुड यार, बहुत जबरदस्त, एक एक चीज अच्छा वही जा लगे आ गया। क्या टफा टफी रोड, इतनी जबरदस्त किस्म की, मतलब मैदान सजा हुआ है, मैं इसको सजा हुआ मैदान ही कहता हूँ, अल्लाह माफ कर, गेम में फाइटिंग वगैरह होती है। उतने देख दे पे कि गुड्डी गुड्डी लुटन लगे, वो की आई ओए ओए ओ घूमन केड़िया की कहंदे हुंदे नु, मैं नाम नहीं याद आ रहा। ओ पज पज तेरी मौत आ गई शहजादा, ओ पज तेरी मौत आ गई, ओ रक्षी रक्षी दा छोटा भरा रक्षी। ओए 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 पूरा प्लाजा देखता ही, ओए उड़ गया, ओ उड़ गया, ओ यार कमाल करता, आई लव बैटलफील्ड बनान वाले हो, यकीन करो कमाल करती थी। वाह पैराशूट का बच्चा, ऐदा तो बच्चा नहीं है जिदा उन्हें चक्कर दे रहे हैं। सुपर सुपर, यार कमाल का यार ये ट्रेलर आया है नाज़रीन, बहुत गेम प्ले का जो ट्रेलर है वो 13 जून को आने वाला है जी। मुझे तो बहुत मज़ा आया, आपको कैसा मज़ा आया मुझे ये कमेंट्स में बताएं। जो मर्ज़ी हो गेम, जैसी मर्ज़ी हो, इनके जो ट्रेलर होता है ना उसमें ही बंदे का दिल खुश हो जाता है, पैसे बंदे के उधर ही पूरे हो जाते हैं। लाइक आपके पूरे हुए हैं ट्रेलर में कि नहीं मुझे बताया, लेकिन इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें नहीं देखी हैं, जैसे कि इसमें सैंड स्टॉर्म और टोर्नेडोस, हूँ याद आ गया नाम, टोर्नेडोस वगैरह चीज़ें आई हैं जिससे गेम को देखते हैं कि ये उसमें बहुत नया एज मिलेगा और मज़ा आएगा। और वो जो टोर्नेडोज में वो मतलब फ्लाई करेगा पैराशूट से, जो प्लेयर है मुझे लगता है कि वो प्लेयर ही फ्लाई करके उसमें फिर वो भी शूटिंग करेगा, मारेंगे तो नहीं उसको। और बाकी जो इसमें ट्रेन वगैरह और दिखाई गई है वो भी काफ़ी मज़ेदार है, कुछ मतलब रॉकेट वगैरह और हेलीकॉप्टर फाइटिंग दिखाई गई है, मतलब ये जो चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ देखी हैं मुझे यही इतना बस पता लगेगा, बाकी मज़ीद जो इन्फॉर्मेशन आएगी इंशाल्लाह आपसे शेयर करेंगे। और ये जो गेम है एक्सबॉक्स प्ले स्टेशन 4 में भी, प्ले स्टेशन 5 में भी और पीसी में भी ये आएगी इंशाल्लाह ताला। और उसके अलावा ये अक्टूबर मतलब अक्टूबर के एंड और नवंबर के शुरू में इंशाल्लाह ताला रिलीज़ होगी गेम, तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे इसको खेलने की, क्योंकि ये इस गेम में फाइटिंग वगैरह होती है और खून खराबा टाइप होती है, उसमें ऐसे कंटेंट यानी न्यूडिटी वगैरह इसमें नहीं पाई जाती, ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जैसी बाकी गेमों में होती है, फौजियों ने कपड़े पहने होते हैं, साफ सुथरे पहने होते हैं, और इसमें इस तरह की कोई मतलब गोलियाँ वगैरह ही हैं बस। और मुझे मतलब मैं बाकी जो दूसरी गेमें हैं जैसे कि न्यूडिटी वाली जो गंदी गेमें हैं उससे मैं ये ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, बाकी ये भी इस्लाम में जो खून खराबा है इसको भी इसमें मानते हैं, लेकिन ये कदरे उससे बेहतर मैं तसव्वुर करता हूँ मेरे अपने दीन ईमान के हद तक उससे मतलब काफ़ी बेहतर है। बाकी अपनी दुआ में याद रखें, एशियन गेमर को चैनल को सब्सक्राइब करें, जिन्होंने सब्सक्राइब किया वो सब्सक्राइब करें, और कल तक के लिए आने वाली गेम के लिए एशियन गेमर को इजाज़त है, अल्लाह हाफिज़।